Okay, so the next question that we have to discuss is illustration 13. Mr. Shiva, age 58 years. 58 years मतलब समझना, age याद रखना आपको, okay? Normal citizen है, it's not senior citizen. Had gross total. Had gross. मारो लेक्चर चालू सर. कर तो जम करो इनको. पांडा माइक बंद करना. सांग जरा रे, काय करना रहता सांग. सुनो, मिस्टर शिवा एज 58 इयर्स हैज ग्रॉस टोटल इनकम 7,75,000 कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तो नॉर्मल इनकम है 7,75,000 जीटीए है उसका एंड नॉर्मल इनकम से आया हुआ, देयर इज नो स्पेशल इनकम. हैज मेड फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट. तो यू नीड टू टेल मी सेक्शंस. ओके, प्रीमियम पेड टू इंश्योर लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर. डॉटर बड़ी हो गई है, चलता है क्या लाइफ इंश्योरेंस बड़ी डॉटर का, कि माइनर होना चाहिए? नो, नॉट नीडेड. ऐसे कुछ नॉट नीडेड तो चलेगा, ये चलेगा. कौन सा सेक्शन, सेक्शन बोलो. एटीसी. एटीसी का मैक्सिमम लिमिट कितना होगा? पॉलिसी 2017 में लिया है, ऑन एंड आफ्टर 10% तो 1,80,000 का 10% 18,000, तो 20,000 उसने पे किया है, तो हम लोग कंसिडर करेंगे ओनली 18,000. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड स्पाउस, ये दोनों भी कहाँ पे कवर होते हैं? ग्रुप वन. ग्रुप वन सेक्शन ATD. CD. लिमिट 25,000. भरा कितना है लेकिन? 12,000 प्लस 26,000. तो डिडक्शन कितना दो? 25,000. डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ATG, बताओ कैटेगरी. बाय अकाउंट पेज है कैटेगरी, बताओ. सेक्शन तो मैं बताता हूँ तुमको, सेक्शन ATG. लिमिटेड 50%. 50% लिमिटेड कैटेगरी, ठीक है ना, 50% लिमिटेड, वो याद रखना है. LIC पेंशन फंड, सेक्शन बोलो. ATCCC. ATCCC का मैक्सिमम कितना? 1,50,000. और साथ ही साथ में ATCCE भी चेक करना पड़ेगा अभी, क्यों? ATCB है, ATCDB है, तो ATCCE भी चेक करना पड़ेगा. आगे चलते हैं. डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड ATG, लेकिन कैटेगरी 100% unlimited without qualifying limit. Donation to Jawaharlal Nehru Memorial Fund 50% unlimited. Okay, donation to appropriate institution for promoting family planning limited 100%. 100% limited. तो हमारे पास चारों कैटेगरी आ गए, अनलिमिटेड 100, 50 अनलिमिटेड, लिमिटेड 100 और लिमिटेड 50, चारों कैटेगरी हमारे पास. हाँ, डिपॉजिट टू PPF. सेक्शन ATC. कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा फॉर AY 2021. ओके, हेलो. यस सर. यस क्वेश्चन समझ में आया तो आंसर बताना चालू कर देता हूं. आंसर कैसे होगा? असेस इज इक्वल टू शिवा एज 58 इयर्स, लीगल स्टेटस इंडिविजुअल, रेसिडेंशियल स्टेटस ओआर, एवाई पीवाई पैन डैश, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी का ही है 7,75,000. ओके, फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे? ऑल चैप्टर 6A, ऑल चैप्टर 6A डिडक्शन एक्सेप्ट ATG. चलो ठीक है, तो ATC एंड CCC दोनों को मैंने मिलाया यहाँ पे सब्जेक्ट टू सेक्शन ATCCE 1,50,000. ये कैसे आया? इसका मैं वर्किंग नोट बना देता हूँ. वर्किंग नोट यहाँ पे कॉपी नहीं हुए हैं. वर्किंग नोट नंबर वन, वर्किंग नोट नंबर वन,
सेक्शन एटीसी में बताओ क्या क्या उसने इन्वेस्ट किया अभी तक। मुझे जितना आता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का 18,000 ठीक है ना, वो भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20,000 या 10% विच ऑर इज लोअर, 10% ऑफ सम एश्योर्ड विच ऑर इज लोअर, 18,000 ये हो गया। दूसरा उसने क्या किया था, पीपीएफ, पीपीएफ में 1,00,000 डाला था ठीक है ना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट 1,50,000, इसका तो डिडक्शन मिल जाएगा 1,18,000 का क्योंकि विद इन 1,50,000 है, लेकिन उसने पेंशन फंड में भी डाला था पैसा, सेक्शन 80 सीसीसी 60,000 पेंशन में कितना पैसा जमा किया था, 60,000 तो टोटल, देयरफॉर टोटल एलिजिबल अमाउंट 1,78,000। वो कोई तो डोर बंद हो रहा है बहुत जोर जोर से हवा की वजह से, मैंने ओपन रखा है देखो। मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन ATCCE विच आर इज लोअर 1,00,000 1,50,000 ये लिख लोगे क्या वर्किंग लोड थोड़ा ऐसा रफ में, रफ में मतलब आप अच्छे से लिखो। यस सर, इन शॉर्ट लिया सर, ले लिया ना, चलो ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग सॉल्व करना है ठीक है ना, बाद में स्क्रीनशॉट लिया तो आगे चलता हूँ। तो मेरा कौन सा एडजस्टमेंट हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, तीन एडजस्टमेंट हो गए। मेडिक्लेम का तो मैंने बता दिया 25,000 ही, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी हो गया पकड़ लो, मेडिकल का 25,000 एटीडी का आ गया हो ठीक है। तो ये चार हो गए, अब बचा क्या, ये वाला डोनेशन और ये वाला डोनेशन, चार डोनेशन बचे ठीक है ना। तो डोनेशन का वर्किंग नोट देखो कैसे बनेगा, अभी अमाउंट बताते रहो, मुझे अमाउंट बताते रहो। वर्किंग नोट नंबर टू, सेक्शन 80G डोनेशंस, बताओ पहला 100% अनलिमिटेड कैटेगरी, उसमें का कौन सा फंड आया हुआ है एग्जाम में, फंड का नाम बताओ, नेशनल चिल्ड्रन फंड, कितना डोनेट किया है 25,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 25,000। सेकेंड 50% अनलिमिटेड कैटेगरी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल, कितना डोनेट किया है 25,000, 25,000 डोनेट किया है, लेकिन 25,000 का 50% मिलेगा, कितना 12,500 ना, 12,000 12,500 तीसरा 37,500 100% लिमिटेड कैटेगरी, इसमें किसको दिया डोनेशन, फैमिली प्लानिंग, इसका अमाउंट बाद में आएगा फैमिली प्लानिंग, और उसमें 50% लिमिटेड में ट्रस्ट को दिया होगा। ट्रस्ट को दिया हुआ है डोनेशन, ये दोनों बाद में ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे ये सब चालू करने से पहले एक वर्किंग नोट बनानी पड़ती है, और होती है एजीटीआई की, एजीटीआई बनाने एजीटीआई मैं स्टेप में लिखता हूँ, स्टेप वन, मुझे एजीटीआई निकालने के लिए पहले जीटीआई चाहिए, मेरा जीटीआई बताओ ना कितना है, 7,75,000 मुझे अमाउंट बताते रहो प्लीज, 7,75,000 माइनस मुझे करना है ऑल चैप्टर 6A डिडक्शन, ऑल चैप्टर 6A डिडक्शंस एक्सेप्ट एटीजी, ऑल चैप्टर 6A डिडक्शन एक्सेप्ट एटीजी, इसमें बोलो एटीसीसीसी में या एटीसी में मुझे 1,50,000 का मिला था और एटीडी में 25,000 का मिला था डिडक्शन, 25,000
तो टोटल डिडक्शन मुझे मिला था 1 लाख टोटल 1,75,000 का डिडक्शन मिला 1,75,000 का डिडक्शन अगर माइनस करेंगे तो एजीटीआई कितना आ रहा है 6 लाख आ रहा है स्टेप टू एलिजिबल अमाउंट ढूंढेंगे हम एलिजिबल अमाउंट कैसे ढूंढते हैं पहले लिखते हैं एक्चुअल डोनेशन में पहले हमने किया 100% लिमिटेड कैटेगरी में फैमिली प्लानिंग कितना किया फैमिली प्लानिंग को डोनेट 40,000 और दूसरा 50% लिमिटेड कैटेगरी में हमने किया है एक्चुअल अमाउंट कितना किया है ट्रस्ट को 50,000 टोटल करेंगे तो 90,000 होता है ये हो गया एक्चुअल डोनेशन एक्चुअल डोनेशन को किसके साथ कंपेयर करते हैं 10% ऑफ एजीटीए इसको कंपेयर करेंगे 10% ऑफ एजीटीए अब एजीटीए मेरा आ गया 6,60,000 डिडक्शन कंप्लीट करेंगे हम लोग ठीक है ना पहला प्रेफरेंस किसको दूं बोलो पहला प्रेफरेंस किसको दूं 100% डिडक्शन 100% डिडक्शन को दिया जाएगा उसमें मुझे बताओ कितना था डोनेट किया था उसने 40,000 फैमिली प्लानिंग को इनटू 100% वो तो 100% ही होता है तो 40,000 वो तो तुम्हारे नॉलेज के लिए लिख रहा हूं मैं दूसरा 50% डिडक्शंस की बात करेंगे उसमें मैं ऐसे लिख रहा हूं देखो 60,000 में का 40,000 चले गए बैलेंस का 20,000 उसका 50% 10,000 तो ये दोनों यहाँ पे आ गए यहाँ पे मैं इसका टोटल ले सकता था टोटल ले लेता हूँ चलो 50,000 ये ले लेता हूँ ये टोटल आ गया इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं अभी किधर गया मेरा वो इन दोनों का टोटल आ गया 50,000 तो टोटल डिडक्शन कितना बना 50 + 25 75 87,500 बोलो तुमको समझ में आया यस स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो लिखना है क्या कर लो जो करना है वो करो ऐसे सॉल्व करना पड़ता है Done. तो आंसर में देखो कैसे लिखा होगा ये हो गया एटीजी का 25 हो गया था और एटीजी लास्ट में करते हम लोग कभी भी याद रखो एटीजी का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे लास्ट में करेंगे और ये टोटल इनकम आ गया इजी यस ठीक है ना कोई मुझे एचआरए का डिडक्शन yes. बता पाएगा एचआरए का एग्जम्पशन याद आ रहा है किसी को एचआरए का एग्जम्पशन एचआरए का एग्जम्पशन कहां पे निकालते हैं हम लोग सेक्शन 10(13) है तीन नंबर लिखे जाते हैं पहला नंबर क्या है एचआरए का बोलो 15% ऑफ -10% ऑफ सैलरी 50% और 40% ऑफ सैलरी शेमलेस बच्चों 50 किसके लिए मेट्रो सिटीज के लिए मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता बाकी 40%
Second is the actual received HRA. Third, one-tenth of minus rent paid. Rent paid minus 10% salary. ठीक है ना? और इन तीनों में का लिया जाएगा विच एवर इज लोअर. ये सब याद आ रहा है आपको कुछ? हाँ याद आता याद. ठीक है ना, आना चाहिए, भूल जाते हैं, नॉर्मल है. तो ये तो वो सैलरीड वालों को बेनिफिट मिला ना. ये बेनिफिट किसको मिलता है? सैलरीड पर्सन को मिलता है. ठीक है ना यार, रेंट तो मैं भी भर रहा हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हारा यू विल बी प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट, यू विल आल्सो पे रेंट. तो हमें तो 1030 नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा तो एम्प्लॉयर है ही नहीं और हमें तो एचआरए मिलता ही नहीं. तो जो रेंट भरते अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए उसका डिडक्शन कहाँ लेंगे सर? तो उसका डिडक्शन लिया जाएगा एपीजीजी में. अब मैं इसको कैसे याद रखता हूँ? जो रेंटेड घर में रहते हैं ना उनको हर साल घर चेंज करना पड़ता है, तो दे रोम बाय सेइंग घर घर. ठीक है ना, हर साल कैसे घूमते हो लोग? घर 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 घर. तो APGG में रेंट फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, जो इतने अमीर नहीं है जो कैन अफोर्ड दी हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई. ठीक है ना, तो मेजोरिटी ऑफ अस वी स्टे इन रेंटेड प्रीमाइसेस, तो हमारे लिए भी कोई सेक्शन होना चाहिए, हमारे भी कुछ डिडक्शन होने चाहिए. तो उन्होंने APGG में हमें डिडक्शन दिया हुआ है. सर APGG का डिडक्शन कैसे आया है? तो पहली बात तो ये सैलरी को लिंक नहीं हो सकता. सैलरी को इसलिए लिंक नहीं, क्यों नहीं लिंक होता सैलरी को बताओ? सैलरी को क्यों नहीं लिंक किया गया ये? कि एम्प्लॉयर के पास से इन लोग को मिलता है ना अकोमोडेशन, अलाउंस भी दिया जाता है. नहीं नहीं नहीं, जिनको एचआरए मिलता है उनकी तो बात ही नहीं हो रही है. सैलरी से इसलिए लिंक नहीं किया गया क्योंकि सारे APGG के एसएससी जो है नीड नॉट टू बी एम्प्लॉय कैटेगरी, दे कैन बी प्रोफेशनल लाइक यू एंड मी. ठीक है ना, इसलिए लिंक किया गया 25% ऑफ जीटीआई. अब जीटीआई जो नंबर होता है बड़ा नंबर होता है, आपको पता, जीटीआई भी नहीं एजीटीआई, 25% ऑफ एजीटीआई. तो पहला नंबर ये याद रखो आप लोग, पूरे देश में किधर भी 25% ऑफ एजीटीआई, मतलब वो बता रहे कि 25% से ज्यादा अपने एजीटीआई का रेंट मत भरो यार, मैक्सिमम 25% अपनी इनकम का रेंट भरो, उससे ज्यादा मत भरो. सेकंड उन्होंने बोला, मैक्सिमम रुपीज हम डिडक्शन देंगे, मैक्सिमम रुपीज 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ. एनुअलाइज अगर करेंगे तो 60000 हो जाता है, लेकिन एनुअलाइज में कर नहीं रहा क्योंकि कभी कभी असिस्सी 5 मंथ के रेंटेड प्रीमाइसेस में लेता है. अगर 5 मंथ के लिए होगा तो 5000 इनटू 5 मंथ होगा, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा. ठीक है ना, और तीसरा नंबर वही रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एजीटीआई, यहाँ पे जो आएगा वो डिडक्शन होगा. इज इट क्लियर? सिमिलर है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. मैक्सिमम 60000 मिलता है, सेक्शन का डिडक्शन जो है ना स्टैट्यूटरी लिमिट, मैक्सिमम 60000, क्योंकि मॉनेटरी 5000 पर मंथ का लिमिट लगा के रखा उन्होंने. ओके, ये डिडक्शन किसको देना चाहिए? आपका मुंबई में घर है, आपको डिडक्शन मिलना चाहिए. आपका खुद का घर है, आपका पेरेंट्स का नहीं, आपका खुद का घर है, आपको डिडक्शन मिलना चाहिए क्या? नहीं, नहीं. आपके हस्बैंड का घर है मुंबई में, खुद का घर है, आपको डिडक्शन मिलना चाहिए क्या? क्या हस्बैंड के घर में रेंट देके रहते हो आप लोग? नहीं, नहीं, तो ये नहीं मिलेगा. आपका 6 महीने का बेटा है, माइनर चाइल्ड है, उसके नाम पे घर है, बोलो क्या आपको खुद का घर है उसका? क्या आपको डिडक्शन मिलना चाहिए? नहीं, नहीं. आपके HUF का घर है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का घर है, तो आपको डिडक्शन मिलना चाहिए? नहीं, क्योंकि आपका घर अगर खुद का है तो उस घर में रहो ना, आप रेंटेड प्रीमिस रह रहे हो, तो ऐसी यहाँ पे बात हुई है. तो ये कंडीशन भी याद रखना. ठीक है ना, इन्हीं को डिडक्शन मिलता है जिनका उस घर नहीं है. ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे क्या है कंडीशन, देखो फटाफट. रेंट पेड फॉर रेंट फेयर फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, रेंट का डिडक्शन दिया जा रहा है. एलिजिबल असेसी कौन है? ओनली इंडिविजुअल माइनस एचआरए. माइनस एचआरए मतलब जिसको एचआरए मिलता है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है. ओके, कंडीशन क्या है? नो डिडक्शन इफ एनी रेसिडेंशियल अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द असेसी कॉमा हिज स्पाउस और हिज माइनर चाइल्ड और HUF एट द प्लेस वेयर ही इज ऑर्डिनरी रिसाइड. तो अभी वो जहां पे रह रहा है वहां पे उसका या उसके वाइफ का या हस्बैंड का या माइनर चाइल्ड का या HUF का अगर घर होगा तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा. आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ब्रदर सिस्टर कवर्ड नहीं है, पेरेंट्स कवर्ड नहीं है,
तो पेरेंट्स का मुंबई में घर है और आपका अलग से घर है, चलता है ऐसे नहीं होता है कभी? पेरेंट्स का घर अलग है और आप अलग से रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहे हो, ऐसा पॉसिबल है? Yes, it is possible. Yes, it is possible, क्योंकि आफ्टर मैरिज आपके घर वाले आपको घर से यूजुअली निकाल देते हैं. अगर नहीं निकाला तभी भी आप बेशरम की तरह उनके साथ रहकर उनको प्रॉब्लम ना क्रिएट करो. यू शुड स्टे सेपरेट, क्योंकि जितना दूर रहोगे ना उतना प्यार बना रहता है, जितना साथ में रहोगे ना उतना जहर बन जाता है. ठीक है ना, जाने दो वो पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें, आपको क्या बताऊं मैं. डिडक्शन इज इक्वल टू 25% ऑफ एजीटी है, मैक्सिमम 5000 पर मंथ, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एजीटी है. और एजीटी का फॉर्मूला अभी अभी आपने लास्ट टाइम भी लिखा था, वही वो फॉर्मूला है. खाली यहाँ पे एक वर्ड ये चेंज हो जाता है, एक्सेप्ट 80GG, एक्सेप्ट 80GG आ जाता है, बाकी सब कुछ वैसा ही. क्या आपको ये सेक्शन मतलब समझ में आया? सर, अगर ये सम में 80G का दिया रहेगा तो वो इंक्लूड करने का, सिर्फ 80GG का नहीं करने का? हाँ, और उसका एक क्वेश्चन ऐसा बनता है सीए फाइनल लेवल पे, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाते हैं, पता है तुम लोगों को? वो एक्स वगैरह मान के करते हैं, वो इतना जाने दो, उसमें जाते नहीं अपन लोग, फाइनल पे आओ तो फाइनल पे बात करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. 80GG है, ये मैंने पीजीडीपी में आपको पढ़ा दिया, आपको खाली याद दिला दूं, साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट का एक डोनेशन मिलता था अपने को पीजीडीपी में, याद आ रहा है आपको? खाली बिजनेस मिलता है ना, बिजनेस वालों को ही मिलता है. आप सैलरी पे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि COVID-19 का जो रिसर्च चालू है वहां पे मुझे डोनेट करना है, आप सैलरी दो लेकिन आपको डोनेशन करना है साइंटिफिक रिसर्च को, तो करोगे तो डोनेशन, वो जो डोनेशन आपने किया उसका सेक्शन 35 में डिडक्शन मिलेगा क्या? आप सैलरी दो और आपने डोनेशन किया, बताओ? नहीं, क्योंकि 35 तो बिजनेस क्लास के लिए है, तो सर मुझे डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा, 80GG मतलब 80GGA में मिलेगा. सर कौन सा एसएससी? एनी एसएससी अदर देन पीजीबीपी. क्यों सर? अगर वो पीजीबीपी एसएससी होगा तो 35 में डिडक्शन ले लेगा, पीजीबीपी में ले लेगा. ठीक है ना, फिर सर डोनेशन का डिडक्शन कितना मिलेगा? अब वहां पे पता है ना, नेशनल लैब को करोगे तो 150% का मिलता है, ऐसा कुछ होता है, पता है? हाँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल 100% का ही डिडक्शन मिलेगा. मोड ऑफ पेमेंट एनी मोड अदर देन कैश एक्सेप्ट कैश 10,000, मतलब 10,000 तक का कैश चलता है, उससे ज्यादा कैश नहीं चलता. अब इन दोनों में याद रखना, 80G में 2,000 का कैश है, 80GGA में 10,000 का कैश है. यहाँ पे 10,000 है वो नॉर्मल है, 80G में 2,000 है वो स्पेशल है. ओके, 80GGB मैंने आपको बताया था पीजीबीपी में सेक्शन 37(1) जब पढ़ा रहा था आप लोगों को, कि मैंने बोला पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन 80GGB में आपको डिडक्शन मिलेगा. अगर आप इंडियन कंपनी हो तो 100% डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कैश जीरो अलाउड है, पॉलिटिकल पार्टी को कैश नहीं देने का एनी फॉर्म. ठीक है ना, एनी अदर मोड चलेगा, कैश नहीं चलेगा. 80GGB में यहाँ पे डिडक्शन इसका मिल गया. 80GGC में किसका डिडक्शन मिलेगा सर? सेम पॉलिटिकल पार्टी का ही, लेकिन यहाँ पे इंडियन कंपनी है, यहाँ पे एसएससी एनी अदर एसएससी अदर देन लोकल अथॉरिटी. ठीक है ना, डिडक्शन कितना देंगे? 100% मोड अदर देन कैश. यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? यस सर. चलो आगे पढ़ा रहा हूँ. ATTT आपको याद आ रहा है? ATTT बचपन में पढ़ा था, आप जब छोटे थे तभी पढ़ा था, कि सेविंग बैंक अकाउंट में अपने को इंटरेस्ट मिलता है उसका डिडक्शन दिया जाता है. yes. बरोबर, वो किसको दिया जा रहा है? इंडिविजुअल HUF को, लेकिन अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, मतलब बुड्ढे को छोड़ के बाकी सबको दिया जा रहा है. इंडिविजुअल HUF अदर देन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन कितना डिडक्शन सर? सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट या 10,000 व्हिचएवर इज लोअर. सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट या 10,000 व्हिचएवर इज लोअर, ऐसा ATTA में डिडक्शन मिला हमें. ठीक है ना, ATTTB में किसको डिडक्शन दिया है फिर? जिसको यहां से लात मार के निकाला, बुड्ढे लोगों को यहां से निकाला, उनके लिए अलग से TTB बनाया हमने. ATTTB में सारे बुड्ढे लोगों को, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को जिनका एज 60+ है, उनको डिडक्शन मिलता है बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर. अब यहाँ पे ये सेविंग भी हो सकता है और ये टाइम डिपॉजिट भी हो सकता है. टाइम डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है. यहाँ पे खाली सेविंग, यहाँ पे ओनली सेविंग. यहाँ पे सेविंग भी हो सकता है और फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, क्योंकि बूढ़े लोगों से हम ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहते. कुछ कुछ बेचारे बूढ़े लोग तो इंटरेस्ट के भरोसे ही जी रहे हैं. FD करके रखा था कभी जवानी में, तो हमने बोला चलो 50,000 तक आपसे हम टैक्स नहीं लेंगे, 50,000 तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे. यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? Yes. चलो ठीक है. APU अपन लोगों ने तभी पढ़ लिया था जब हम क्या कर रहे थे? हैंडीकैप, मतलब ATDM जब कर रहे थे तभी हमने APU पढ़ लिया था. याद रखना, ATU खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है,
फॉरेन इंडिविजुअल को हम हैंडीकैप का बेनिफिट नहीं देते, और अगर वो नॉर्मल हैंडीकैप होगा तो 75,000, सीनियर हैंडीकैप होगा तो 1,25,000। क्या यहाँ तक के सेक्शन क्लियर है आप लोगों के माइंड में? इजी है? Yes. तो यहाँ तक के सेक्शन आप लिख लो, और अभी लेक्चर लॉग आउट होने वाला है, उसके बाद हम AT JEE कंटिन्यू करेंगे। है ना, तुम्हारे में एनर्जी है ना? बड़ा सेक्शन है AT JEE। कितने पेजेस का है सर? अभी इसके आगे चैप्टर और 4-5 पेजेस का रहेगा, 4-5 पेजेस लगेंगे, पकड़ लो इस चैप्टर में। और 15 मिनट का ब्रेक में उसके बाद ना क्या, अभी कितना बज रहा है? 3 बज रहा है ना? कल करें क्या? आज बस बहुत सारे हो गए सेक्शन। कल ठीक है, तो जितने सेक्शन मैंने पढ़ा दिए हैं वो एक काम कर लेना हम लोग, जितने सेक्शन का सॉल्व करते हैं। नहीं, ये सॉल्व तो कर ही लो, यहाँ तक लिख लेना, और ये सेक्शन में ना लिख के रख देना आप लोग AT JEE। इसके आगे जो भी सेक्शन है ना, 3 ही बचे रहेंगे अभी, AT JEE वो भी लिख देते हैं। हाँ, AT QQB AT RRB वो लिख के रख देना, ठीक है ना? ठीक है, ओके, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो दिन। थैंक यू, गो एंड हैव योर लंच नाउ। या थैंक यू।